Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Embark Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. Assalamu alaikum, आदाब, मैं सैयद अमजद, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बसकल्याण सिटी के धारागिरी स्ट्रीट में हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाएं और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का कफ का सैंपल COVID-19 टेस्ट के लिए कलेक्ट किया गया। बताया जा रहा है कि बसकल्याण सिटी के अलावा बसकल्याण तालुके के कंटेनमेंट एरिया के लोगों का सैंपल COVID-19 टेस्ट के लिए लिया जा रहा है। टेस्ट के बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको बसकल्याण सिटी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 7 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा। बीदर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ रहे केसेस को देखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से ये कदम उठाया गया है, ताकि कोई कोरोना इन्फेक्शन का शिकार ना हो। सबको चाहिए कि हेल्थ डिपार्टमेंट का साथ दें और अपना टेस्ट करवाएं। सभी बसकल्याण के निवासियों को इन्फॉर्म करते हुए, आप देखिए अभी हमारा कोरोना वायरस का जो पॉजिटिव रेट ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, ऑलरेडी 100 क्रॉस कर चुका है बसकल्याण तालुका। और बसकल्याण के स्लम एरिया में जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया में 4 से 5 केसेस पॉजिटिव, उनका इमीडिएट डेथ हुआ है। मैं इसलिए आप सभी से यही गुजारिश है कि पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि 60 के ऊपर, 10 साल के नीचे, प्रेग्नेंट वुमेन, जिसको TB है, जिसको शुगर है, वो सभी लोगों को क्या है, हाई रिस्क ग्रुप पकड़ के उनका थ्रोट स्वैप करने के लिए हम अरेंजमेंट करे हैं। फर्स्ट हम धारागिरी से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से हम धारागिरी मदरसे में ऑलरेडी आज क्या है 20-30 लोग क्या है बोले तो थ्रोट स्वैप करें। इसका ये फ़ायदा है थ्रोट स्वैप कराने का, मैं नेगेटिव हूँ, मैं थ्रोट स्वैप कराना बोल के ऐसा नहीं सोचना है। आपका थ्रोट स्वैप अगर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, कोरोना में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज ऐसा रहता है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, सिम्टम्स नहीं रहते, सेकेंड स्टेज वालों को सिम्टम्स रहते हैं, सर्दी जुकाम रहता है। थर्ड स्टेज और जो फोर्थ स्टेज वाले डायरेक्ट कैसा दम्मा की शिकायत हो जाती, उस दौरान कुछ भी इलाज नहीं हो पा रहा है, इसका इलाज नहीं है सभी को पता जैसा। इसलिए हम जितना हो सके पहले के पहले अगर थ्रोट स्वैप कराए हाई रिस्क ग्रुप वाले, तो ये फ़ायदा है कि हम उसका उनका ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। उनको क्या है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में हम रोक सकते हैं। थर्ड स्टेज में क्या है, दम्मा स्टार्ट हो गया, जब इलाज नहीं कर पाते, जब क्या है जान से क्या है, सडन डेथ बहुत सारे 30-40 क्या है लोग क्या है इस महीने में, हम जो 60 के ऊपर लोग हैं उनका इंतकाल हो गया, वो लोग दवाखाने को आए, वहाँ पे कितना ऑक्सीजन लगाए, मशीन पे रखे तो भी उनको नहीं बचा सके हम, तो वो स्टेज तक नहीं जाना है। तो हमारे को पहले के पहले हमारे को जो कोरोना एंट्री हुआ हमारे बॉडी में है बोल के जानकारी मालूम करना है, तो ये थ्रोट स्वैप एक ही जरिया है। आप सभी से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद वॉलेंटियर होके, जो 60 साल से ऊपर है वो लोग इसका फ़ायदा ले, पहले के पहले थ्रोट स्वैप टेस्टिंग होने दें। टेस्टिंग होने के बाद से क्या है, अगर पॉजिटिव निकला तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट चालू करेंगे, उनका ट्रीटमेंट चालू करें तो उनके जान को क्या है धोखा होने का बच जाता। यही आपसे क्या है बोले तो गुजारिश और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई। दूसरी बात क्या है, कोई ये नहीं डरना कि पॉजिटिव आया हमारे घर को ले जाके क्वारंटाइन, हमारे लोगों को क्वारंटाइन करते हैं, हमारे घर पर टॉर्चर, ऐसा पहले का सिस्टम गया है। अगर पॉजिटिव आया तो भी उसको क्या है बोले तो उनके घर में ही क्वारंटाइन करना है। अगर उनको सिम्टम्स हैं तो बसकल्याण के हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में, वो भी 7 डेज के लिए क्वारंटाइन करना है। और उनके घर वालों को, किसी को पहले के जैसा बीदर ले गए उन सबको क्वारंटाइन करें, ये कोई रूल्स नहीं है। अभी नए गाइडलाइन के हिसाब से अगर पॉजिटिव आया, उसको सिम्टम्स नहीं है तो उन्हें घर पर रह सकता है, घर पर क्वारंटाइन रह सकता है 15 दिन के लिए। अगर पॉजिटिव है, सिम्टम्स है, तो उन्हें बसकल्याण जनरल हॉस्पिटल में उसको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर। बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में क्वारंटाइन की नीति आ गई है, तो इससे कोई घबराने की कोई बात नहीं है कि मुझे पॉजिटिव आया। आपको पॉजिटिव आया तो अच्छी चीज़ है, जल्द से अगर मालूम पड़ा तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी जान को धोखे से हम आपको बचा सकते हैं। तो इसलिए जितने हो सके 60 साल से ऊपर खुद वॉलेंटियर होके, अभी तो यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ नहीं भी रहा है तो बसकल्याण जनरल हॉस्पिटल में आके अपने अपने वॉलेंटियर तरीके से क्या है थ्रोट स्वैप के लिए कोऑपरेट करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।